राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी जयपुर में एक सभा की। और राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर गहलोत सरकार को घेरा। ये चुनाव मात्र एक सीट का नहीं, ये चुनाव प्रदेश की प्रतिष्ठा का सवाल है, महिला के सम्मान का सवाल है। इस दौरान उन्होंने इशारों में राहुल गांधी पर भी तंज कसा। डर उनको लगता है जिनका सरदार मूर्ख हो। स्मृति ईरानी ने बीजेपी की सरकार बनने पर 450 रुपए में सिलेंडर देने का भी वादा किया। बीजेपी की ओर से सिर्फ स्मृति ईरानी ने ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राजस्थान में चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला और लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की। और जयपुर में एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर विकास नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर गरीबी तो हटी नहीं, गरीब बढ़ गए। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोटा में सभा की और डबल इंजन की सरकार में ही विकास होने का दावा किया। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया, लेकिन बदले में समस्याएं थी। राजस्थान में भी यही चीज है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग है, जिसके लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। नड्डा ने इसे विकास का रोडमैप बताते हुए दावा किया कि उनकी सरकार बनी तो राज्य में सबका विकास करेगी, जिसमें गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मजबूत किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस पर 5 बड़े आरोप लगाते हुए नड्डा ने दावा किया कि गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार, महिलाओं का अपमान, महंगाई, बेरोजगारी, तुष्टीकरण और भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिला। 5 बातों के लिए जाना जाता है, भ्रष्टाचार, बहनों बेटियों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। जेपी नड्डा ने यह भी दावा किया कि बीजेपी की सरकार बनी तो पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी से कराई जाएगी। एसआईटी बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, पीएम आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नड्डा ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार में कुछ लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया गया तो कुछ लोगों को सर तन से जुदा के लिए बढ़ावा दिया गया। जेपी नड्डा ने राजस्थान के लिए संकल्प पत्र जारी करते हुए इस बात का दावा भी किया कि बीजेपी जो वादा करती है उसे हर हाल में पूरा भी करती है। बीजेपी के संकल्प पत्र की बड़े वादों की बात अगर की जाए तो इसमें बेटी के जन्म पर 2 लाख का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा, बेटियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, गरीब छात्रों को 1200 रुपए की सालाना सहायता दी जाएगी, 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं के लिए फ्री स्कूटी योजना होगी, मात्र वंदन की रकम को बढ़ाकर 4 से 8 हजार रुपए किया जाएगा, हर जिले में महिला थाना खुलेगा, हर शहर में एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया जाएगा, 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, 5 साल में 2.5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, किसानों के लिए सालाना वित्तीय सहायता बढ़ाकर 12,000 रुपए की जाएगी, गेहूं की उपज 2,700 रुपए प्रति क्विंटल में खरीद होगी, किसानों की नीलाम हुई जमीन का उचित मुआवजा भी दिया जाएगा, पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। जी न्यूज़।